हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी एक्सप्लेन योर ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर। इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत डैश आकार और उसकी स्थिति, भारत का आकार और उसकी स्थिति कैसी है, कितनी है इसमें, यानी हमारे ग्लोब पर यानी हमारी पृथ्वी पर, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति अगर हम अपनी अर्थ पर अपनी इंडिया की लोकेशन को देखते हैं तो वो कहाँ है। द मेनलैंड बिटवीन 8 degree 4 inch नॉर्थ एंड 37 degree 6 inch नॉर्थ। अगर हम इंडिया के लोकेशन की बात करते हैं तो हमारी इंडिया, ये जो हमारा सबसे ज्यादा निकला हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये जहाँ हमारी अर्थ सबसे चौड़ी दिख रही है और ये जहाँ सबसे ज्यादा बड़ा सर्कल दिख रहा है, तो इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ये क्या है? इक्वेटर। अगर हम अपने ग्लोब को या अपनी अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सच एज लेमन, जब हमने लेमन को स्क्वीज करते हैं, इस लेमन को निचोड़ते हैं, तो लेमन का सारा रस निकल आता है। कब निकल आता है? जब उसको टू हाफ पार्ट्स में इसी तरीके से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा जो सबसे बड़ा हिस्सा है, ये हमारा क्या है? इक्वेटर। और इक्वेटर को हम 0 degree मानते हैं। क्यों 0 degree मानते हैं? क्योंकि ये इसकी तरफ फिर और सर्कल छोटे होते जाते हैं, साउथ की तरफ भी और नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो बहुत सारे सर्कल सबसे वो छोटे होते जाएंगे क्रम से। तो जो इक्वेटर होता है वो सबसे बड़ा सर्कल माना जाता है, और सबसे बड़ा सर्कल माना नहीं जाता, रियल में सबसे बड़ा सर्कल है भी। तो ये इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो उसे हम बोलते हैं, इसी टाइप की जो लाइन है, ये सारी इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं, रियल में अर्थ पर कोई रेखा नहीं है। तो ये हमने, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे ज्योग्राफर्स ने, हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने, हमारे विद्वानों ने इनको इमेजिनरी लाइन के तौर पर अर्थ की सही डिवाइडेशन की है। तो हमारी किसी भी कंट्री का अगर हमें लोकेशन पता करना है, वैसे हम नहीं कर पाएंगे, ऐसे अगर हम इतनी बड़ी अर्थ को अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते और ऊपर से देखेंगे तब भी नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ होंगे तो हमें इतना इतना पोर्शन दिखेगा। अगर हम एक बार में चाहते हुए भी अर्थ को किसी भी एंगल से खड़े हो जाएं, चाहे हम स्पेस में निकल जाएं और चाहे हम किसी ऊंचे टावर पर खड़े हो जाएं, फिर भी हम अर्थ को एक साथ पूरा नहीं देख सकते हैं, जिसका केवल हाफ पार्ट ही हम देख सकते हैं। तो जो ग्लोब होता है वो हमारी अर्थ का रियल मॉडल होता है, और रियल मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने किसी भी कंट्री की लोकेशन को पता करते हैं तो उसका दो बेस है, एक बेस है लैटिट्यूड और दूसरा बेस है लॉन्गिट्यूड। तो इसके मेनलैंड बिटवीन 8 degree 4 inch, इसको हम यहाँ पे नॉर्थ मानते हैं। क्यों मानते हैं ये बताइए। अगर हम अपने अर्थ को ग्लोब पर देखते हैं और ये हमारी जो अर्थ है एज ए ग्लोब का मॉडल है, तो ग्लोब उसका मॉडल है, तो अगर हम अपने इस पर देखते हैं तो हमारी इंडिया ये है और ये इंडिया इधर किधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ। अगर आप कभी भी कोई भी मैप देखते हैं तो अपर पार्ट में हमेशा नॉर्थ होता है। तो अगर हम इससे इक्वेटर से ऊपर की तरफ चलेंगे तो हमारी इंडिया ये आ रही है। तो जहाँ से ये पॉइंट है, ये पॉइंट जहाँ से हमारी इंडिया की स्थिति शुरू हो रही है, हमारी इंडिया की मेनलैंड शुरू हो रही है, तो ये यहाँ पर कितना डिग्री बनना है? यहाँ पर बनना है ये 8 degree 4 inch। यहाँ से अगर हम इक्वेटर से चलेंगे तो यहाँ पर 8 degree 4 inch बनेगा, और यहाँ 8 degree 4 inch नॉर्थ से लेकर के 37 degree 6 inch नॉर्थ, और ये 37 degree नॉर्थ कहाँ बनेगा? 37 degree 6 inch नॉर्थ यहाँ बनेगा। तो जो हमारी इंडिया का पूरा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, यानी लैटिट्यूडनल जो विस्तार है, इसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे। यहां से 8 degree 4 inch से लेकर के 37 degree 6 inch नॉर्थ तक, तो इतना हमारा ये मेनलैंड का लैटिट्यूडनल
लेटिट्यूडिनल एक्सपेंशन है। लेटिट्यूडिनल एक्सपेंशन का मतलब होता है अक्षांशीय विस्तार। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा, इसका नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन। अब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन कहां से शुरू होता है? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन हमेशा शुरू होता है हमारी ग्रीनविच मीन टर्म से, और ये ग्रीनविच मीन टर्म यहां पर आती है। मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा इधर से आपके बता रहा हूं, क्योंकि बीच में थोड़ा टेबल रखा हुआ है। तो ये आपको, ये हमारा जो यहां से लेकर के यहां तक, अगर हम ग्लोब को यहां से यहां तक, इसका ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं और हमारे ज्योग्राफर और एस्ट्रोनॉमर हैं, तो इसके इसका जो प्राइम मेरिडियन है, ऑल वर्ल्ड का प्राइम मेरिडियन, वो है ग्रीनविच मीन टाइम। और ग्रीनविच मीन टाइम यहां से गुजरती है लंदन के पास से होकर के यहां तक। तो ये इसको यहां पे जीरो डिग्री मान लिया जाता है। और इस जीरो डिग्री के क्या होता है, इस जीरो डिग्री से अगर हम अपने इंडिया को मैप करते हैं, तो कोई भी मैप देखते हैं, तो राइट हैंड में हमेशा ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड में हमेशा वेस्ट होता है। तो अगर हम यहां से ग्रीनविच मीन टाइम से चलते हैं, ये ग्रीनविच मीन टाइम है, यहां से गुजरती है, तो ये ग्रीनविच मीन टाइम से गुजरते हैं, तो अगर हम फेस करके इधर खड़े हो जाते हैं, तो हमें बैक इसके थोड़ी हमारी बैक साइड से ऐसे इस तरीके से खड़ा होना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी कौन सी है, राइट हैंड में ऑलवेज क्या होता है, ईस्ट। तो हमारी इंडिया का जो है यहाँ से ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया पूरी ईस्ट में आ रही है, और लेफ्ट में क्या था, वेस्ट। तो हमारी इंडिया वेस्ट से कोई रिलेशन ही नहीं है ग्रीनविच मीन टाइम से। वेस्ट में ये अदर कंट्री है और ग्रीनविच मीन टाइम ये है इंडिया इधर साइड में। तो इसका जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन है वो है 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट। इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन तो कितना हुआ ग्लोब पर और अर्थ पर, 68 डिग्री 7 इंच। इसको हम इंच में बोलते हैं, इसको डिग्री बोलते हैं। तो 68 डिग्री 7 इंच, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 इंच, और ये 97 डिग्री 25 इंच बनता कहां है? अब आप इधर आ जाओ, अपने मैप पर आ जाओ, यहां पर जहां पर हमारा इंडिया यहां पर स्टार्ट होता है, क्यों, वेस्ट से इधर चलेंगे तो हमारा यहां पे कितना है 68 डिग्री, सॉरी यहां से शुरू हुआ, यहां से हमारी इंडिया की जो हमारी लोकेशन है, जो एक्सपेंशन है ईस्ट के मामले में, तो ईस्ट से क्यों, ईस्ट से शुरू होता है, क्योंकि अगर कोई भी मैप को हम देखते हैं तो ऊपर नॉर्थ, लेफ्ट राइट पे ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट होता है, और इधर की साइड में हमारा क्या है, इधर की साइड में हमारा वो है ग्रीनविच मीन टाइम। तो इधर की साइड से हम चलते हैं तो इधर की साइड ईस्ट है, ईस्ट में यहां पर कितना हो रहा है 68 डिग्री 7 इंच। इंडिया जो हमारी यहां से स्टार्टिंग हो रही है वो 68 डिग्री 7 इंच यहां पर है, और यहां से लेकर के यहां तक जाते हैं जहां गुजरात पड़ता है और ये वे ऑफ कच्छ पड़ती है, कच्छ की खाड़ी पड़ती है, तो वहां पर इसका हो जाता है 97 डिग्री 25 इंच। तो इस तरीके से हम इसको नापते हैं, इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। और अगर आप इधर हमारा ग्रीनविच मीन टाइम है, तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे इंडिया को, तो यहां नापेंगे इसको, यहां कितना होगा 68 डिग्री 7 इंच, और इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश पर जाकर के 97 डिग्री 25 इंच, इतना हो जाएगा इसका एक्सटेंशन। तो ये मैंने आपको ये ग्लोब के थ्रू पूरा अच्छे से समझाया है, और ग्लोब को हमने आपको एक्सप्लेन स्टार्टिंग में नहीं किया था, ग्लोब को यानी अर्थ को पूरा एक बार भी नहीं देख सकते, ऐसे ग्लोब को पूरा एक बार भी नहीं देख सकते, इसलिए हमारे साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर और ज्योग्राफर्स ने इस ग्लोब को यहां से खोल दिया है, कहां से खोल दिया, यहां से, और यहां से खोल करके इसके दो भाग कर दिए, ऐसे खोलेंगे तो इसके दो भाग हो जाएंगे, और इसके दो भाग हो जाएंगे तो मैप कैसा बन जाएगा, ये वाला जो मैं आपको मैप के थ्रू समझा रहा हूँ, और मैप के थ्रू और ज्यादा अच्छे से आ जाएगा कि मैंने आपको ग्लोब के थ्रू सब एक्सप्लेन किया था।
अब आप इस ग्लोब के बजाय मैप पे आ जाए, अब आ जाओ इधर, ये ग्लोब आप देख लीजिए, ये जो अलास्का है, और ये ग्लोब कहां से खोला गया है, थोड़ा रशियन फेडरेशन लिखा हुआ है, तो ये रशियन फेडरेशन कहां पड़ता है आपको दिखाता हूँ ग्लोब पर आकर के, ये रशियन फेडरेशन यहाँ लिखा हुआ है। तो इस ग्लोब को क्यों यहाँ से खोला गया, तो कोई भी कंट्री, रशिया तो, रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द एरिया, अगर एरिया के मामले में बात करते हैं तो रशिया सबसे बड़ा कंट्री है वर्ल्ड का, तो रशिया का टू पार्ट में होना है, और रशिया डिवाइड कितना और थोड़ा सा हो रहा है, वैसे भी आपने देखा कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से रशिया हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है, हमारे वर्ल्ड में है ना। तो यहाँ से इसको खोला गया है, आपने देखा होगा अलास्का, और मैं आपको मैप में भी दिखा रहा हूँ, इधर ये हमारा जो ग्लोब है यहाँ से इसको खोल लेंगे तो ये रशिया और ये अलास्का का थोड़ा हिस्सा है। अब इसमें आ जाओ, इसमें हमने आपको अभी हमने आपको बताया था कि अगर हम ऐसे खड़े हो जाते हैं तो अपर की तरफ नॉर्थ और यानी ब्रिट की तरह फुट की तरफ होता है साउथ, और राइट एंड पे क्या होता है ईस्ट, और लेफ्ट एंड पे क्या होता है वेस्ट। तो हम कोई भी मैप देखेंगे, वॉल मैप की बात कर रहा हूँ, दीवार वाला मैप, वॉल मैप को देखेंगे तो इसी तरीके से हमें डायरेक्शन का पता करना होगा। तो डायरेक्शन के पता यानी डायरेक्शन का पता लग जाएगा तो हम इसको देखते हैं। अभी मैंने आपको इस पर ग्रीनविच मीन टर्म दिखाया था, और ये ग्रीनविच मीन टर्म ये है, यहाँ से ये 0 डिग्री है, और ये ग्रीनविच मीन टाइम को हम लॉन्गिट्यूड में मानते हैं, ये इसको वर्ल्ड का प्राइम टाइम माना जाता है, प्राइम मेरिडियन, तो ये वर्ल्ड का प्राइम मेरिडियन है। तो इससे अगर हम इधर चलते हैं तो इधर हमारा अभी हमने अभी अभी आपको हमने डायरेक्शन बताया था कि हमारी कौन सी डायरेक्शन थी, ईस्ट। तो इधर की तरफ चलते हैं तो हमारी इंडिया की स्टार्टिंग कहाँ होती है, ये गुजरात, जहाँ बे ऑफ कच्छ है, कच्छ की खाड़ी है, तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है। और यहाँ कितना मैंने अभी अभी आपको बताया था, 68 डिग्री, कितना बताया था 68 डिग्री 7 इंच से लेकर के यहाँ से चलिए, और यहाँ से जहाँ इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपेंशन है यानी ईस्ट वेस्ट में, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपेंशन है ईस्ट वेस्ट के मामले में, तो वहां कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ कितना आ रहा था 97 डिग्री 25 इंच। तो ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, ये हमारा क्या है, ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, ऐसे ऐसे क्या लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया था। अब अगर हम अपने इंडिया को उसमें ग्लोब में या अर्थ पर मानते हैं तो इस तरीके से अगर हम इसको डिवाइड कर लें, और इस तरीके से भी इसको डिवाइड कर लें, क्योंकि ये यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है, ये इसका 0 डिग्री यहाँ पर है, मैं थोड़ा ऐसे दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ ताकि आप समझ सके, ये हमारा ये क्या है 0 डिग्री, और इसको इक्वेटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इक्वेटर, और ये क्या है प्राइम मेरिडियन, ये मैंने पी बना लिया बड़ा सा, आपको थोड़ा सा तो हल्का सा तो दिख ही जाएगा, ये प्राइम मेरिडियन है और ये इक्वेटर है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं तो ये देखिए ये आ रहा है, और ये आ रहा है ये वाला हिस्सा, यहाँ पे ये कट रहा है, ये हिस्सा हमने आपको सर्कल बना लिया ये वाला, तो ये जो सर्कल बनाया है इससे अगर हम बात करते हैं तो हमारा इंडिया उस पर अर्थ पर और ग्लोब पर नॉर्थ, यहां से ऊपर चलेंगे नॉर्थ और यहां से चलेंगे ईस्ट, तो हमारा इंडिया नॉर्थ ईस्ट क्वार्टर ऑफ द मॉडल ऑफ द अर्थ, या अर्थ पे कह लीजिए या ग्लोब पर कह लीजिए, तो हमारा इंडिया उसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और इधर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इस तरीके से आप इसको समझ लेंगे, और अच्छे से समझाया मैंने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैप के थ्रू किया है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। फिर भी अब बात आती है अपने इंडिया की, अगर हम इंडिया के इसके इंडिया की बात करें तो इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी सदर्न इसका पॉइंट मानते हैं तो इंडिया का पूरा ये जो पूरा हिस्सा है ईस्टर्न इंडिया यानी हमारी इंडिया ये है, अरेबियन सी ये है, लक्षद्वीप ये है, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये वाले ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है और ये लक्षद्वीप है। तो पूरा यानी लक्षद्वीप अंडमान निकोबार आइलैंड प्लस इंडिया इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट पड़ता है यहाँ पर
अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, ये बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। आपको दिख रहा होगा ये बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है और बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अब इधर आ जाओ वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ आएंगे तो अरेबियन सी है और अरेबियन सी में ये मन्नार की खाड़ी को, मन्नार की खाड़ी तो यहाँ पर है सॉरी, यहाँ पे ये हमारी जो केरल साइड, केरल से भी नीचे थोड़ा इधर की तरफ इसमें वेस्ट में जाकर के ये लक्षद्वीप है। तो ये हमारा अगर आपसे पूछा जाता वेयर इज लक्षद्वीप इन इंडिया, और इंडिया में लक्षद्वीप कहाँ है, तो लक्षद्वीप इंडिया में अरेबियन सी के यानी साउथ वेस्ट में है, और साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है, और साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं और वो भी बे ऑफ बंगाल में है। इस तरीके से आप इसकी लोकेशन को समझ लेंगे। तो इंडिया का, अगर इंडिया के मेनलैंड की बात करते हैं, ये वाला इंडिया और ये इसके मेनलैंड की सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है, इंडिया के मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है, तो वो है कन्याकुमारी। यहाँ तक आप कन्याकुमारी पे आ जाएंगे। और पूरे इंडिया की बात करते हैं तो इसका जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है वो है इंदिरा पॉइंट, वो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में पड़ता है। दैट्स ऑल।